जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को लाइक करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद। काफी आगजनी हुई, ट्रेन जलाई गई, लोगों के बीच में मारपीट हुई, बीच में पुलिस भी आ गई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि साहब ये जो अग्निपथ का प्रोग्राम है इससे हमारा हक छीना जा रहा है और जो हमने तैयारी करी है फौज की इसका क्या होगा। बीच में कुछ ऐसी खबरें आई मीडिया में कि राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी उसके बीच में और कमेंट्स आने शुरू हो गए, बोला साहब हम इनको सपोर्ट करते हैं। जो भी चीज है, फौज ने क्या सोचा, सरकार ने क्या सोचा और आगे चल के जो सरकार ने आज ही हाल ही में अनाउंसमेंट्स करी हैं उसके बारे में क्या होगा, किस तरीके से वो लोग उसको जिसको कहते हैं कि एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, फॉर्मर जीओसीएनसी आरट्रैक। सर जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में सर आपका। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा पहला सवाल सर, अगर आप हमारे दर्शकों को इन ब्रीफ ये बताएं कि अग्निपथ क्या है और क्यों अच्छा है, देश के लिए क्यों अच्छा है, नौजवानों के लिए। सर देखिए गौरव, मेरे समझ में ये जो पूरा अग्निपथ का प्रोजेक्ट है इसका संबंध बदलाव से है, बेहतरी से है, भारत के उज्जवल भविष्य के साथ है और अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के साथ। और अभी मैं इस पे थोड़ा विस्तार से आपको बताऊं तो इसके तीन पहलू हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अग्निपथ की जो स्कीम है इसके जो विभिन्न पहलू हैं उन पे 2-2.5 साल से विचार विमर्श हुआ, तो ये एक गहराई से सोचा गया प्रोजेक्ट है। और जैसे मैंने आपको कहा, इसके तीन मुख्य पहलू और इन तीनों पहलुओं में जो जज्बा था वो बदलाव का था, बदलाव और बेहतरी का था, बदलाव और बेहतरी। तो ये तीन पहलू क्या है? एक है जो हमारा रिक्रूटमेंट का इनटेक है या जो चयन का जो हमारी कार्यशैली है चयन की, उसमें कैसे बेहतरी और बदलाव होगा। दूसरा, जो 4 साल का वक्फा है अग्निवीरों के लिए, उसके अंदर जो इनहाउस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या सुधार किए जा रहे हैं। और तीसरा है जो री एनरोलमेंट या जो एग्जिट है उसके जो मापदंड हैं उसमें कैसे बेहतरी लाया जाए। अब इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स में देखेंगे तो जो अग्निपथ स्कीम के जो बड़े उद्देश्य हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होगा। तो रिक्रूटमेंट पैटर्न में लेता हूं पहले। देखिए, जो हमारा आज का रिक्रूटमेंट पैटर्न है वो काफी पुराना है, जिसके दो मुख्य मापदंड फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है, लेकिन आप विश्व भर में देखें जो अच्छी आर्मीज हैं उन्होंने ये रिक्रूटमेंट पैरामीटर्स में काफी एवोल्यूशन किया है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन टेस्टिंग, जो एस्पिरेंट्स के जो उनकी उम्मीदें हैं फौज से, जो एस्पिरेशंस हैं और जो फौज की जरूरतें हैं उनमें कैसे बेहतर तालमेल ला। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर, आज कई जैसे फौजों में तरक्की हुई है, सोफिस्टिकेशन आया है, तो जो अलग अलग आर्म्स हैं या ब्रांचेस हैं, स्पेशल फोर्सेस की अलग रिक्वायरमेंट है, आर्टिलरी की अलग रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर्स की अलग रिक्वायरमेंट है, इन्फेंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, और जो एस्पिरेशंस हैं जो अग्निवीर हैं उनमें भी काफी फेरबदल हुआ। तो इन दोनों में बेहतरी लाना, ये इसके बारे में बहुत दिनों से अध्ययन हो रहा है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है उसको क्या, ऑनलाइन टेस्टिंग जैसे मैंने कहा, जो एस्पिरेशंस हैं और जो उपलब्धियां हैं उनमें बेहतरी तालमेल लाना। तो जब रिक्रूटमेंट सिस्टम में ये रिफॉर्म होगा तो जो चयन की प्रतिक्रिया है वो भी उसमें भी बेहतरी आएगी। दूसरा, इन हाउस ट्रेनिंग मॉडल। अब इसके बारे में तो मेरे को निजी तौर पर ज्ञान है, क्योंकि ये जो स्टडीज हुई थी इन हाउस ट्रेनिंग की आरट्रैक में हुई थी जहां मैं आर्मी कमांडर था, तो हमने देखा कि जो मुख्य फौजें हैं विश्व भर में, कहीं पर
20 या 21 हफ्तों से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं थी, हो रही थी, और हमारे जो ट्रेनिंग पीरियड्स थे या जो ट्रेनिंग का वक्फा था वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल था. इट वॉज लेजरली एंड इफ आई मे सो से इट वॉज लिटिल वेस्टफुल. अब जैसे मिसाल के तौर पर जो आपको ड्राइवर्स मिल जाते हैं आजकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, क्या जरूरत है उनको हम लाएं और उनको ड्राइविंग हम यहाँ सिखाएं 1 साल के लिए. जो हमारे ITIs हैं उनमें बहुत रेसिडेंट कैपेसिटीज हैं टेक्निकल ट्रेड्स में. मान लो किसी का यू नो जो टेक्निकल कैपेसिटीज हैं सॉफ्टवेयर से ताल्लुक रखते हुए, साइबर से ताल्लुक रखते हुए, IT से ताल्लुक रखते हुए, वो हैं इस ITIs में ऑलरेडी. तो अगर हम उस प्रकार के कैंडिडेट्स को लें, उनकी ट्रेनिंग की जो लंबाई है ये उसमें हम कमी कर सकते हैं. तो ये जो पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं इनको स्टडी किया गया और हमने ये पाया कि 6 महीने में बहुत बेहतर ट्रेनिंग हो सकती है, आधुनिक ट्रेनिंग, फोकस ट्रेनिंग और बेहतर ट्रेनिंग. और जो वक्फा घटाने से जो पैसे की जो पैसे बचेंगे उसको हम मॉडर्न ट्रेनिंग एड्स में लगाएंगे, AI लैब, ब्लॉकचेन लैब, स्नाइपिंग सिमुलेटर, इन सब में. तो जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई बचत क्या हो रही है, बचत इस सेंस में हो रही है ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन. अब ये भी अगर आप देखें ये जो हमारी पूरी ट्रेनिंग की प्रतिक्रिया है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, बेहतरी की ओर ले जाने के लिए. तीसरा मुद्दा ये था कि जो हम री एनरोलमेंट कर रहे हैं जो अग्निवीर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम जो हमारी चयन प्रतिक्रिया में सुधार हुआ है, वी विल गेट द बेस्ट, उनमें सबसे बेहतर लोग हमको मिलेंगे सोसाइटी से, समाज से, और इनकी इतनी हम अच्छी ट्रेनिंग करेंगे और उनमें से जब हम बेहतर में से बेहतरीन अपने पास रखेंगे, वी विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आर्मी को फायदा होगा, हमारी जो कॉम्बैट पॉस्चर है उसमें मजबूती आएगी, हमारी जो सुरक्षा की जो कार्यशैली है उसमें मजबूती आएगी, फौज को फायदा होगा और देश को फायदा होगा. अब बात रही ये जो अग्निवीर हैं जो बाहर जाते, उनका भी जरूरी है कि हम उनका भविष्य सुरक्षित रखें. तो जैसे आपने खुद बताया, आप सबको इसके बारे में पता है, सेवा निधि का पैकेज है. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, छोटा बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो वो सेवा निधि पैकेज के साथ एंटरप्रेन्योरियल लोन्स उपलब्ध हैं. और पिछले 3-4 दिनों में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, MHA में रिजर्वेशन, MOD में रिजर्वेशन, PSUs में, पुलिस में, तो ये जो 70 साल से फौज की मांग थी कि भाई लैटरल साइड स्टेपिंग हो, ये अग्निपथ कार्यक्रम के माध्यम से अभी हो रहा है, ये कार्यान्वयन होगा, लागू होगा. तो आप मेरे को बताइए, जब चयन की प्रतिक्रिया में सुधार आया है, इनहाउस ट्रेनिंग में सुधार आया है, लोगों के भविष्य सुरक्षित हुए हैं, तो सबको फायदा है. इट एक्चुअली इज विन विन फॉर एवरीबडी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें सबका फायदा जी. और एक मैं छोटी सी चीज और बोलूं, अगर इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, तो गवर्नमेंट, सरकार और फौज बातचीत करने को तैयार है, उनको भी दूर किए जाए. कॉरपोरेट सेक्टर से भी, अशोक लेलैंड मैंने सुना है, LNT ने और बहुत से छोटे बिजनेस और कॉरपोरेट्स ने ये इच्छा जाहिर की है कि ये अग्निवीरों को अपने साथ लेंगे. मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देता हूं. अगर इस अग्निवीर प्रोजेक्ट ने तीव्र गति पकड़ी, अगर इसमें मोमेंटम आया, तो अग्निवीर को बाहर नौकरी मांगनी नहीं पड़ेगी, लोग ढूंढेंगे अग्निवीर कहाँ है. और ये मॉडल है इसराइल और बाकी देशों में, इसी तरीके के मॉडल्स, वेदर इज फ्री फ्लो बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री डोमेन्स. तो अग्निवीर के पीछे बहुत ऊंची सोच है. अब चैलेंज ये है कि हम इसको किस तरह से लागू करें. अगर हमने इसको लागू किया जिस तरह से मैंने आपको बताया, सबका फायदा. एक और मिसाल दूं मैं आपको, अगर इस मोमेंट इस स्कीम ने तेजी पकड़ी, इसमें मजबूती आई, 6 साल बाद अगर SP एक, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में, जिले में एक SP है और उसके अग्निवीर काम कर रहे हैं, वो क्या बताएगा MHA को कि मेरे को और अग्निवीर चाहिए. भटिंडा में कोई छोटी कंपनी लगा रहा है, उसको 60 आदमी चाहिए, अगर उसको 10 आदमी मिल रहे हैं जो कि ट्रेन होके आए हैं फौज के अंदर, दे हैव गॉट सिविल एक्रेडिटेशन, वो एक और पहलू है. एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कैसे जो कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स हैं हमारे उसको सिविल एकेडमिक एक्रेडिटेशन दिया है, मतलब एकेडमिक उसको मान्यता प्राप्त हुई सिविल उससे. और साथ ही साथ इसके इतने पहलू हैं, हमने RRU के साथ MOU किया है,
कई और यूनिवर्सिटीज से एमओयू किया है, एमएटी के साथ, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमको बताया है। तो हर तरीके से, और एक मैं आपको आखिरी चीज बताऊं, जब आपको देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ये कह रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का हाथ है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे सफल नहीं होगी, हर हालत में सफल होगी। मेरा ये मानना है दैट अब हुआ क्या है, देखिए जब भी आप कुछ बदलाव करेंगे, कुछ लोगों के मन में आशंकाएं होंगी, कुछ पुशबैक होगा, एक अच्छे चेंज मैकेनिज्म में जरूरी है कि हम इनके साथ बातचीत करें, डायलॉग करें, एज दे से कम्युनिकेट चेंज एंड इम्प्लीमेंट। और अगर ये सब हुआ तो आप राजनीति से अगर इसको बाहर रखें, इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ चेंज, एक बहुत ही उच्च स्तर के बदलाव के बारे में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमको चाहिए, देश के नजरिए से चाहिए। और ये जो अग्निवीर हमारे पास आएंगे 5-6 साल बाद, आप देखिएगा कि ये जो हैं सब चाहेंगे या बहुत लोग चाहेंगे कि इनको उनको अग्निवीर मिले, जिनको अपने वो बिजनेस में या प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट वगैरह इसमें उनका उपयोग कर सके। आखिरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि जब ये इस प्रोजेक्ट को के बारे में सोचा जा रहा था, जब इसको मतलब किस इस बात पे विचार हो रहा था कि इसकी इस प्रोजेक्ट का ढांचा किस प्रकार का हो, तो बहुत स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में इंटरेक्शन हुआ और कई वहां पे छात्र इस दृष्टि के थे कि भाई उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पे पेंशन फॉर लाइफ जिसे कहते हैं, वूम टू टूम। बट ऐसे भी छात्र थे जो कह रहे थे हम फौज में आना चाहते हैं 5-6 साल के लिए और उसके बाद हम नहीं रहना चाहते। कई ऐसे देशों में हो रहा है, यूएस, इसराइल वगैरह, वे दे कम फॉर ब्रीफ पीरियड्स एंड लीव। तो ये जो अग्निवीर का जो प्रोजेक्ट है, जिन कारणों से मैंने आप जो पक्ष मैंने आपके सामने रखा, उन सभी कारणों से, उन सभी बिंदुओं से, उन्हीं मापदंडों से, मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले चलकर ये बहुत ही अच्छी स्कीम बनेगी। सर, काफी वेटरन्स ने इसको अपोज करा है, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ सीनियरिटी सर, 30-40 साल की एक्सपीरियंस है, फौज में नौकरी करी है, इतना एक्सपोजर रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी पता होगा जो बातें आप बता रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रिवी टू अ लॉट ऑफ स्टफ। फिर भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ है। अब धीरे धीरे दूसरे वेटरन सर वो कह रहे हैं कि नहीं, एक बार देख तो लें, हम लोग एक बार सुन तो लें कि क्या बोल रही है सरकार, यू नो, सिंपली डे वन से अग्निवीर से हम लोगों को इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। बट अभी भी मैं मानता हूं सर कि मेजॉरिटी ऑफ द वेटरन्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो किस तरीके से हमें वेटरन कम्युनिटी के साथ एंगेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को वेटरन कम्युनिटी के साथ एंगेज करना चाहिए कि थोड़ी सी इसमें पूरी बेहतरी आए, क्योंकि अग्निवीर स्कीम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्या इसमें वेटरन्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि इसको ऐसे करें, थोड़ा सा ट्वीक करें तो बेहतर हो जाएगा? व्हाट इज योर सेंसिंग सर, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए जो ये जो वेटरन्स हैं, दे आर वेरी ऑनरेबल मेन एंड सम ऑफ देम मे हैव जिसे कहते हैं लेजिटिमेट डिसएग्रीमेंट्स, दे मे हैव लेजिटिमेट डिसएग्रीमेंट्स, बट एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन और मैच्योर डेमोक्रेसी यही है कि भाई जितने भी आप तो जानते हैं आर होल कल्चर इज अबाउट वाद विवाद, तर्क वितर्क, डायलॉग। सो बाय डूइंग दिस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट जो आशंकाएं हैं वेटरन्स के बारे में उनको दूर किया जा सकता है, एंड आई एम सेइंग दैट दे आर लेजिटिमेट डिफरेंसेस। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कल मेरे को किसी ने बताया कि ये जो फियर था कि भाई एक समय ऐसे आएगा जो लीडर्स हैं और लेड उसका जो रेशियो है वो बहुत खराब हो जाएगा, मतलब अगर 25% यू नो वो होंगे अग्निवीर जिनको हम री एनरोल करते हैं, 75% आर जस्ट यूथ, दैट इज नॉट अ राइट कॉम्बिनेशन। But yesterday somebody from the government told me that that will be capped at 50-50. कि जो leaders हैं और led हैं उनपे जो percentage है वो 50-50 से ज्यादा नहीं हो। ये भी बताया गया है कि जो कैबिनेट नोट है उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी को पूरी छूट दे रखी है कि जो ये छोटे छोटे इसमें फेरबदल करने हैं जो आप देख रहे हैं कल परसों से हो रहे हैं, जैसे एज में इंक्रीमेंट्स, ये सब ये होंगे, तो जो इसमें कमी पेशियां हैं वो दूर की जाएंगी, और जैसे ये कमी पेशी दूर होंगी और इनको हम वेटरन्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेटरन्स इस स्कीम के पक्ष में होंगे। कुछ मैंने आपको बताया, दे स्टार्ट फ्रॉम
उनका जो जिसे कहते हैं उनकी बुनियाद आशंकाओं में, मैंने आपको एक मिसाल दी कि भाई ऐसा लगा कि विदाउट कम्युनिकेशन, बिना बातचीत के ये स्कीम हम पे थोपी गई है। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे को निजी जानकारी है, स्टडीज हुई हैं 8 साल में, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं, बात ठीक नहीं। 2-2.5 साल से मेरे को याद है, सबसे पहले इसका जिक्र जनरल रावत ने किया था, उसके बाद इस पे काम हुआ है, बातचीत हुई है। सो इट इज अ थीम विच हैज बीन थॉट थ्रू। और पिछले 2-3 दिन में आप देख लीजिए जितने ऐलान किए हैं सरकार ने, उसी से पता लग रहा है इसमें फेरबदल की जहां भी गुंजाइश है उसको की जाए। अब उसमें बात ये आती है कि भाई जब पहले दिन आप स्कीम अनाउंस कर रहे हैं तो इतनी सारी जो डिटेल्स हैं वो एक साथ नहीं हो सकती है। सम डिटेल्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कुछ करेक्शंस लाए गए, बट जैसे मैंने आपको बताया कि इन कॉन्सेप्ट, आप जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, वो है बेहतरी की ओर, वो है चेंज की ओर। और ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये लागू होंगी। 10 चीफ मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया है, 10 से 11 चीफ मिनिस्टर्स। तो अगर एक चीफ मिनिस्टर ट्वीट कर रहा है तो ये क्यों नहीं होगा? आप देखिए पहले भी ये थे परसेंटेजेस, रिजर्वेशन 10%, ये वो एक्स सर्विसमैन की, कभी वो लागू नहीं किए गए। बट अभी पूरा, जब जैसे इस इंग्लिश में कहते हैं ड्यूअल स्टेक होल्डिंग, पहले फौज प्लीट करती थी भाई इसको लागू करिए, और क्योंकि और पॉलिटिशियन या जो पॉलिटिकल लीडरशिप था उसको लागू नहीं ना कर या ना उसको वो कर नहीं पाती थी या उसने किया नहीं। अब ये जो स्कीम है इसमें ड्यूअल स्टेक होल्डिंग, फौज और पॉलिटिकल क्लास ने, दोनों ने मिलकर ये स्कीम बनाई, दोनों के हित में है ये लागू करो। और अगर ये लागू हुई तो आप देखिए क्या बेहतरी आएगी। मैंने आपको बताया चयन की प्रतिक्रिया में, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में, एग्जिट में, तो क्यों नहीं होगा? मेरे को तो समझ नहीं आता है क्यों नहीं होगा। वी जस्ट नीड टू डू बेटर कन्विंसिंग अदर ऑप्शंस। क्योंकि सर एक 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 ऐसा तासुर, एक ऐसा जिसको एक दिमाग में कहते हैं एक ऐसा इंडिकेशन, अगर मैं कहूं सर, ये हमें मिला व्हेन आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ वेटरन्स, मैंने जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनसे बात करी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो वेटरन्स हैं, उनके मन में ये बात थी कि शायद इसका फौज से, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अग्निवीर नाम की एक चीज होगी, उनको बोला आप एग्जीक्यूट करो, इंप्लीमेंट करो, और फिर वो लोग लग गए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। पर आप ये कह रहे हैं कि आरट्रैक एक्चुअली 2.5 साल से काम कर रहा है इसके ऊपर, और आप लोगों ने काफी रिसर्च जी 2.5 साल चाहे ना हो पर 1.5 साल तो जरूर, 1.5 साल से मतलब स्कीम 2-2.5 साल से इसके बारे में बात हुई थी। जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं ये तो स्टडी आरट्रैक में हुई है, मैंने किए हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सर 2.5 साल एक्चुअली वो टाइम है जब से इसकी बातचीत चल रही है, लेकिन 1.5 साल से इसके ऊपर काम करा गया है और आपने खुद करवाया है सर ये? बिल्कुल, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। अब भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि जब हम ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को रिडिजाइन कर रहे थे, क्या सब एवरीबडी वॉज इन एग्रीमेंट? सर्टनली नॉट। जब आप 70 साल के सिस्टम को बदलेंगे तो उसमें भी बहुत मतभेद होंगे, उसमें भी मतभेद होंगे। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज वन ऑफ यूनैनिमिटी, टोटल एग्रीमेंट, बट दी स्टडीज हैव बीन ऑन एंड देयर हैव बीन वेरियस व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस। एक मैं आपको मिसाल के तो एक और मिसाल देता हूँ। देखिए जब भी चेंज हो, जब ये स्टार्टअप इंडिया शुरू किया जा रहा था, खास तौर से स्टार्टअप इन डिफेंस, बड़े ऑब्जेक्शंस थे आर्मी के अंदर। ये बहुत लोगों का कहना था भाई हम क्यों करें, हमारा ये स्टार्टअप से क्या ताल्लुक, इनोवेशन से क्या ताल्लुक, कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या ताल्लुक। आज आप देखिए स्टार्टअप की दुनिया, 300 करोड़ के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं इंडियन आर्मी ने सिर्फ ड्रोन्स के लिए। अभी आईटेक्स में 380 करोड़ के ऑर्डर्स ऑल प्लेस हुए हैं डिफेंस सेक्रेटरी साहब के तहत, जो कि 50-50 करोड़ स्टार्टअप्स को जाएंगे। सी थ्रू आर्मर प्रोजेक्ट्स, एआई एनेबल्ड इंटेलिजेंस असेसमेंट के प्रोजेक्ट्स। अगर आप मुझसे पूछते 10 साल पहले, मैं कहता भाई इंडियन आर्मी का तो क्या लेना है स्टार्टअप्स के साथ। दिस केम सेम स्केप्टिसिज्म वाज देयर व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस। तो जब भी आप कोई नई चीज करेंगे उसमें चेंज इज डिफिकल्ट, स्टेटस को इज इजी, चेंज नीड्स लीडरशिप, स्टेटस को डज नॉट नीड सो मच। बट पर्सनली निजी तौर पे और सम वेरी रिस्पेक्टेबल नेम्स हैव स्पोकन इन फेवर ऑफ द स्कीम, जनरल मलिक आई नो, जनरल संधू, कई लोग ऐसे हैं। और जो आशंकाएं हैं वो दूर की जा रही, और अभी भी अगर कोई स्पेसिफिक, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक इशू, मान लिया आपने मेरे साथ रेस किया, इट कैन बी कम्युनिकेटेड बैक टू द गवर्नमेंट एंड दैट टू कैन बी एड्रेस। बिल्कुल सर,
मैं मेरा अगला सवाल ये है कि ये जब देख रहे हैं इतनी राइटिंग हो रही है सर, ये ट्रेन फूंक दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैंने भी इसके बारे में ट्वीट करा था, मेरा ये व्यू है सर कि सच पीपल हु डू दिस, किसी का ऑब्जेक्शन करना अग्निपथ से, ये जेन्यून है, उसका संवैधानिक अधिकार है सर, तो उसको तो मना नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, पर जब तक वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये ट्रेन फूंकना, ये सब, मेरा ये मानना है सर ये लोग हैं ही नहीं फौज के लायक, जो जो सरकारी संपत्ति को आग लगाए, निजी संपत्ति को आग लगाए, जो देश को आग लगाए, फिर वो कहे कि मैं देश का रक्षक बनना चाहता हूं, ये कितना लॉजिकल है सर, ये तो टोटली इलॉजिकल है। जो भी आपके ग्रीवेंस हो, जो भी आपके ग्रीवेंस हो, कितने जेन्यून हो, जबकि इनके है नहीं, लेकिन कितने भी जेन्यून हो सर, यू कैनॉट एंड अप बर्निंग पब्लिक प्रॉपर्टी सर। बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है। आई मीन ऑल दिस सम ऑफ दिस दिस सम ऑफ दिस प्रोटेस्ट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, डीजेनरेटेड इनटू वैंडलिज्म एंड आर्सनी, दैट सर्टनली कैनॉट बी कंडोन इन एनी वे। बट एक और मैं आपसे इस बात बताऊं, ये व्हाइल दिस प्रोजेक्ट इज नॉट प्राइमरीली अबाउट नेशन बिल्डिंग, इन माई व्यू दिस प्रोजेक्ट इज मूविंग फ्रॉम अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम टू अ टैलेंट मैक्सिमाइजेशन स्कीम। अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद कर दें सबके लिए, कि पहले सिर्फ या फौज, उसमें कोई गलत बात नहीं है, व्हेन आई वाज कमीशन 1982 एज एन ऑफिसर, हमारे पास क्या ऑप्शंस थे, डिफेंस सर्विसेज, रेलवे, सिविल सर्विस, सो एवरीबडी वेंट इनटू दिस पे पेंशन मोड, बाय पे एंड पेंशन फॉर सिक्योरिटी। यू आस्क टुडेज यंगस्टर्स, many of them are entrepreneurs, many of them have gone to corporate class, academia, media mein you don't get lifelong pensions, but log jaate hain. So the job jise kehte hain naukri ka jo structure hai, the job market is undergoing a change, of that too uska bhi jo thoda sa reflection agniveer aur agnipath mein. So aajkal jaise maine bola, there will be many who don't want this pay pension scheme, or jinko chahiye, you have an option, you be, agar aap pehle 25% mein hain, you will get pay pension, nahi to aapko MHA mein naukri mil rahi hai, itne sarkaron ne aashwasan diya hai ki aapko naukri milegi, to it caters for all these kinds of ye jo aakankshaen hain logon ki, in sab ki uplabdhi is scheme ke zariye hogi। और दूसरी बात, ये जो आर्सनिंग वगैरह है, जब ये अग्निवीर 4 साल एक ऐसे सिस्टम से गुजरेंगे, अनुशासित होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो ये जो यूथ का तबका है, ये बाहर जाके इस टाइप की चीजों में शामिल नहीं होगा। दैट विल बी अनदर प्रोडक्ट, सम डिसिप्लिन विल कम इनटू द लार्जर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना है उसमें भी अनुशासन है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस अग्निवीर जी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक और एक्सपेरिमेंट करी थी इंडियन आर्मी ने अर्ली 90s में, कॉल्ड द राष्ट्र राइफल्स सर, और जब राष्ट्र राइफल्स करी थी, मुझे सीनियर्स बताते हैं, मैं तो उस वक्त था नहीं सर, आई वाज कमीशन्ड इन 1994 सर, बट मुझे बताते हैं सीनियर्स कि उस समय भी काफी हद तक ये लोगों का मानना था कि चलेगी नहीं, एक ऐसी फौज है, लोग कहते थे खिचड़ी फौज है, इसमें कोई आर्मर वाला है, कोई इन्फेंट्री वाला है, कोई एएससी एओसी वाला है, मैक वाला, सब लोग मिलके, दे सेड इट्स अ खिचड़ी फॉल। इनिशियली देयर वर अ लॉट ऑफ एस्पर्शंस कास्ट ऑन राष्ट्रीय राइफल्स, टुडे आज की तारीख में सब लोग ये मानते हैं, ये तस्लीम करते हैं, ये अग्री करते हैं, एक्नोलेज करते हैं कि दिस इज इंडिया फाइनेस्ट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट सो फार, मतलब जो भी हमने आजादी के बाद करी है, बहुत जबरदस्त फोर्स है जो कि कमाल का काम कर रही है। इसके ऊपर जरा आपकी राय जानना चाहूंगा सर, दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू। बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत बढ़िया सवाल है आपका। Armies all over the world tend to be traditional, tend to be conservative, which is good. Matlab jo traditions hain hamare, they do a lot of good to us. But sometimes such conservatism ye badlav ke raste mein aata hai. We are do not know how capable we are ourselves of executing change. One good example is Rashtriya Rifles. Us time maybe 3-4 साल का कैप्टन था जब जनरल बीसी जोशी साहब ने स्कीम को इसके बारे में सोचा था, इसको लागू किया, और लोग कह रहे थे साहब कैसे, वी वर यूज टू यू नो जिसे कहते हैं एथनिकली कंपोज्ड यूनिट्स, सिंगल क्लास यूनिट्स, और यहाँ साहब आप इन्फेंट्री को ला रहे हैं, आर्टिलरी को ला रहे हैं, इंजीनियर्स को ला रहे हैं, सबको, आर प्रूव देमसेल्फ सो वेल, दे हैव बीन, मतलब उनका जो
their operational performance in the valley has been remarkable. RR is a big success. Also, just see, एक समय था एंट्रीज क्या थी हमारे पास एनडीए आई एम ए, फिर एक साथ टीएस की एंट्री आई, टेक्निकल एंट्रीज की, लोग वही आशंकाएं थी लोगों के मन में. टुडे जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, इट इज डूइंग एज गुड एज वेल एज एनडीए. टेक्निकल एंट्री इज डूइंग एज वेल एज एनडीए. तो वी आर केपेबल ऑफ एमलगमेटिंग, लेवरेजिंग द गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम डाइवर्स मॉडल्स. और आरआर का आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, जब ये इसकी शुरुआत हुई थी यही आशंकाएं, और सारे मॉडल्स काम करते हैं. पहली बात तो दिस स्कीम विल नॉट इफेक्ट रेजिमेंटेशन, सो प्योर रेजिमेंट्स विल रिमेन. बट इफ यू, जैसे आपने बोला, ऑल इंडिया ऑल क्लास टू यूनिट्स है हमारी, आप गार्ड्स ले लीजिए, महार ले लीजिए, आर्टिलरी ले लीजिए, इंजीनियर्स ले लीजिए, सिग्नल्स ले लीजिए, सब में बढ़िया काम हो रहा है, सब में बढ़िया काम हो रहा है. तो ये जो यू नो इंडियन सारे आर्मीज का ये जो थोड़ा एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव आउटलुक है, उसके बड़े फायदे भी हैं पर कुछ आद नुकसान भी हैं. दैट जैसे मैंने कहा कि हमें अपने जो चेंज है, जो बदलाव की अंदरूनी शक्ति है, उस पर भी कभी विश्वास नहीं होता. बट अग्निवीर जैसे मैंने कहा, अगर हर उसका जो पहलू है, जिस तरह से मैंने आपके सामने अपना पक्ष रखा, अगर उसको उसी तेजी से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये स्कीम जो है मेरे समझ में एक बहुत ही अच्छी स्कीम के रूप में उभर के आएगी. सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. दोस्तों, मैं जनरल राज शुक्ला से यहां पे बात कर रहा हूं. सर ने हमें काफी कुछ बताया, किस तरीके से अग्नि पथ स्कीम का जन्म हुआ, किस तरीके से फायदेमंद है ना सिर्फ सरकार के लिए, ना सिर्फ फौज के लिए, लेकिन उस जवान के लिए, उस अग्निवीर के लिए जो आर्मी ज्वाइन करेगा, और फौज छोड़ने के बाद जो 25% है फौज में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, जो 75% है, 75% है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है. देखने वाली बात यह दोस्तों कि दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, पहले दिन परफेक्शन नहीं आता, अब इसमें काफी सारी चीजें चेंज होंगी और अच्छा बनाया जाएगा अग्निवीरों के लिए. तो ये टोटल जिस्ट था, लबोलुबाब था, जो जनरल साहब ने हमें आज बताया. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा. तब तक के लिए जय हिंद.